नमस्कार। राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील कुम्हेर के गांव आवार से चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए वहाँ के लोग और साथ ही साथ सरकार भी निरंतर प्रयासरत रहती है। आवार गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनके समाधान ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। अगर हम असंतुलित रूप से यूरिया है, DAP है, उनका प्रयोग करते हैं तो ज़मीन की जो सतह है रूट लेवल, वहाँ पर एक वो बन जाती है, परत बन जाती है और वो कड़क परत के कारण पानी की लीचिंग नहीं हो पाती, पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में पौधे पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते और हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। हम यही सलाह देंगे किसान भाइयों को कि उर्वरकों का प्रयोग जो मिट्टी जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार करें और DAP का मुख्य रूप से बुवाई पूर्व प्रयोग करें, न कि बीज के साथ मिला करके या आप छिड़कमा विधि से जो डालते हैं उस तरीका से भी नहीं डालनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपने बताया कि यूरिया है, DAP है, इसकी मात्रा कम और सही समय पर दी जावे, तो मैं उनसे यही प्रश्न कर रहा हूँ कि आप ये बतावे कि DAP और यूरिया किस किस समय फसल में उपलब्ध कराई जावे। मैंने पूरे गांव की मिट्टी टेस्ट करवा रखी है और मेरे यहाँ जो मिट्टी की रिपोर्ट है करीब करीब 10-12 किलो प्रति बीघा सरसों के लिए DAP की रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, और 10-12 किलो दो बार में 20 किलो एवं 22 किलो दो बार में यूरिया की रिकमेंडेशन आ रही है जो मेरी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट में आ रही है। उसी हिसाब से हम किसान को रिकमेंडेड करते हैं कि आप इससे ज़्यादा यूरिया DAP की मात्रा ज़मीन में न डालें, ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो हमारी ज़मीन ख़राब होगी क्योंकि फसल को ज़रूरत इतनी ही है। जैसे पशु ये काट हुई है और बा को बिचे हुई खाते हो तो ये का बा में डर जाते और बाटे सगरे खेतों में डर जाओ, एक बीघे में डर तो। देखो, जैविक खाद एक अलग असीमित रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के पास पशु नहीं है, इतना जैविक खाद हम उत्पादन नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे हरी खाद का प्रयोग करें, ढेंचा है, अब लोगों को जैसे ढेंचा की बुवाई कर देनी चाहिए, जो जिन खेतों में सरसों की फसल अपन को बोनी है वहाँ ढेंचा बुवाई कीजिए और ढेंचा जब हमारा 30 से 35 दिन का हो जाए उसकी कटिंग करवा दीजिए, मेड़बंदी अच्छी होगी, वो भी एक जैविक खाद है। इसके अलावा अपन जैसे तूड़ी को एक व्यापार बना रखा है, तूड़ी आप इकट्ठा कर लें और शाम को पशुओं के नीचे बिछा दें, जब वो कूड़ा करकट गोबर मलमा जो भी होता है उसको आप एक गड्ढे में जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं अपन उसमें डालें, उससे इसकी मात्रा बढ़ेगी। इसी तरह से अपने जो है जीवाणु खाद हैं, PSV है, एजोटोवेक्टर है, राइजोबियम है, इनका प्रयोग करें। राख फॉस्फेट है, अपन जो राख होती है ना पट्टा की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी पोषक तत्व होते हैं, अगर हम इसका भी प्रयोग करें तो भी हमारी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। हमारे यहाँ एक रिवाज है सब मैम कि औरतें ज़्यादातर उपले बनाती हैं और उपले बना करके वो एक उपले इकट्ठे करके उनको बेच देती हैं, वो 2000 का 3000 का बिकता है जबकि हमारा नुकसान हो गया 50000 का। तो इसलिए हम महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके और गोबर को से जैविक खाद तैयार करने की विधि सारे सिस्टम उनको प्रशिक्षण के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे गांव-गांव शिविर चल रहे हैं, हमने इस गांव में भी 2 जगह शिविर लगाया है, खरीफ और रबी दोनों सीजनों में हम शिविर लगाते हैं और जैविक खाद के ऊपर विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। भरतपुर जिले के लोगों की मुख्य समस्या है चकबंदी। जी हाँ, यहाँ पर किसानों के खेत बिखरे हुए हैं जिसके चलते वो भूमि सुधार और जल बचाव के लिए नई नई तकनीकों को नहीं अपना पा रहे हैं और इस दिशा में अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि वो कौन कौन सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा है मैडम, किसान की समस्या तो सॉल्व हो शायद ना है पावे काउ पे ही। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको एक चक है जाए तो एक चक में कछु पाइप लाइन डाल रहे, गहरो बोर भी करावे, अंडरग्राउंड डाल रहे, कछु हर तरह की व्यवस्था कर सके, 2 बीघे माए 4 बीघे माए 6 बीघे माए 8 बीघे माए दायरे करो लाइन, कहाँ ले जाएँ, कहाँ कहाँ बोर करें, कहाँ करें, माँ काऊ पे तो
पानी वापस ले हो या पे ले हो। चकबंदी ना होने के चलते आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पानी की समस्या भाई साहब कहरेगा करता है नितिन नेताजी, पानी की समस्या प्रॉब्लम ज्यादा ऊंचे नीचे भाई में सहमत में कर रहा हूँ। पानी की समस्या सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खारे पानी की समस्या यही है कि हमारी जमीन के लिए पानी उपलब्ध नहीं है जो होना चाहिए, मुख्य समस्या है ये। अब 3 साल अब 3 साल बाद में इस साल कुछ अधिक नहीं कुछ वर्षा हुई है जो फसल के लिए उचित है। भूमि सुधार की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं? चकबंदी न होने का कारण है हमारी जमीन का एक साल न होना, कहीं पर पानी की व्यवस्था है कहीं नहीं है, कहीं ऊंची जमीन है कहीं समतल भूमि है, और समतल भूमि वाला अपनी जमीन को क्यों चेंज करेगा? ऐसा तो है नहीं सब एक ही जगह चक लेंगे तो उसके बाद में उसको वो वहाँ कौन लेगा, यह समस्या है चकबंदी के लिए। आप अगर पानी की व्यवस्था सब जगह हो जाए तो सब जगह चकबंदी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी की नहर की व्यवस्था है, हमारा यूपी से नहर नदी लगती है, उनका वहाँ कैनाल से पानी आता है, अधिक वर्षा हो जाती है तो फालतू पानी निकाल देते हैं वो तो आ जाता है पानी, कम वर्षा होती है तो पानी मिलता नहीं हमें। चकबंदी संबंधी जो विषय चल रहा है वो एग्रीकल्चर से कोई लेन देन नहीं है उसका, क्यों वो है रेवेन्यू विभाग का काम और ये है अपने कृषि विभाग का काम। कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो ये दे ही रहे और समय समय पर ये खरीफ में रवि में 2 बार कैंप भी लगाते हैं करते हैं, किसानों को समझाते हैं बीजों के बारे में खाद के बारे में। समस्या हमें यही आ रही है कि भगवान समय पर वर्षा करता रहे। पहली चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चौपाल चर्चा। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00। अंतराल के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। भूमि सुधार में मृदा जांच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आवार गांव में भूमि सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि मृदा जांच करवाना आखिर क्यों जरूरी है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सूक्ष्म तत्व हैं जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लोहा, बोरॉन, मॉलीब्डेनम व क्लोरीन। उपयुक्त पैदावार के लिए सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। लगातार फसल उत्पादन एवं सघन खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। रासायनिक उर्वरक भी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। किस्म विशेष के अनुसार पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा और उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड देता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी उचित फसल चक्र से भूमि सुधार में भी सहायक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में लवणता, क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या की पहचान कर उचित समाधान में भी उपयोगी है। जांच के आधार पर भूमि सुधार की सिफारिश भूमि को कृषि योग्य बनाए रखने में योगदान देती है।
मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। मृदा का नमूना उचित क्षेत्र से लिया जाना आवश्यक है। मिट्टी जांच के लिए मृदा का नमूना पूरी सावधानी से लेना चाहिए। नमूना लेने का सामान साफ होना चाहिए जिससे मृदा दूषित ना हो। तो अभी आपने जाना मृदा जांच करवाना आखिर क्यों जरूरी होता है। आइए अब रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञों का, उनसे जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं का समाधान क्या है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य हम अपनी मृदा के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें। तो इसके लिए हर ग्राम पंचायत के हर गांव में हर खसरा नंबर की मिट्टी का की जांच की जाना प्रस्तावित था। इसके लिए क्षेत्रीय जो कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं उन्होंने खसरा की जो रिपोर्ट ली, पटवारी से टोटल खसरा की रिपोर्ट ली, उसमें जो असिंचित ज़मीन है उसमें 10 हेक्टर में से एक नमूना लेना है, 62 बीघे में एक नमूना लेना है, और जो सिंचित ज़मीन है उसमें 2.5 हेक्टर में से एक नमूना लेना है। अपन का जो एक चक बनता है भाई 15 बीघे के आसपास का, 2.5 हेक्टर का, या आपका 10 हेक्टर के आसपास का जो भी बनता है, उसके समस्त किसानों की सूची में खसरा नंबर और क्षेत्रफल की, और उनमें हर किसान का मोबाइल नंबर संबंधित कृषि पर्यवेक्षक ने ऐड किया। और हमारे कृषि पर्यवेक्षकों के सहयोग के लिए हर 2 गांव के ऊपर कृषक मित्र लगे हुए हैं और उनके सहयोग से हमने मिट्टी के सैंपल लिए हैं अपने क्षेत्र से। अब ये जो सैंपल हैं वो प्रयोगशालाओं में जमा किए गए, उनसे जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है टेस्टिंग की, हम किसानों को वितरित कर रहे हैं। अपन ने एक रजिस्टर खोल रखा है, उसमें उनके साइन लेते हैं और पुनः मोबाइल नंबर अंकित करते हैं। ये व्यवस्था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में अपन ने कर रखी। हमारी सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं भूमि सुधार के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो क्या उन प्रयासों से आपको लाभ पहुंच रहा है या फिर नहीं? पर इन काजें जो अपनी ज़मीन की मिट्टी दे के सैंपल दिए, बाकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली हमें। क्यों नहीं मिली रिपोर्ट? इनने मांगी कि अपनी अपनी मिट्टी खेतों में चलाओ, हमारा रिपोर्ट दो, मिट्टी की हम रिपोर्ट देंगे कि हम क्या कमी है, तो वो रिपोर्ट ना मिली हमें आज तक नहीं। जो तो हम अपनी खेती अपने तजर्बा से कर ही रहे हैं। हमारा काम था सैंपल लेने का, तुम्हारे सहयोग से हमने तुम्हारे खेत की मिट्टी सैंपल लेके लेबोरेटरी भिजवा दी। लेबोरेटरी से रिजल्ट कंप्यूटराइजर निकल के जब प्रिंटेड हमारे पास लेमिनेट होकर के रिजल्ट हमको मिलेगा, तभी तो हम किसान को पहुँचाएंगे। प्रथम चरण की मिट्टी हम बेच चुके पिछली साल, उसके 300 सैंपलों के रिजल्ट हमारे आ गए और 300 सैंपलों के हमने किसानों तक पहुंचा दिए। हो सकता है उस राउंड में इनका नहीं आया हो खसरा नंबर, नेक्स्ट वाले चरण में हो, वो लेबोरेटरी से रिजल्ट आते ही वो इनको मिल जाएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि हम उसको चाहे जहाँ डाल जाएँ, किसान को देंगे, किसान के दस्तखत लेंगे, किसान के मोबाइल नंबर लेंगे। वो काम हमारा हाई स्तर का काम है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे चरण के मई और जून में 2 महीने हमने पूरे गांव की मिट्टी ली है। यहाँ किसान बैठे हुए हैं, ये भी बता देंगे, पूरे गांव की मिट्टी ली है और पूरे गांव के खसराओं की जो हमारी यूनिट बनी मेरे इस आवार गांव में 298 यूनिट थी, 298 सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में ज़िले में सबसे पहले जमा हुए। और मैं समझता हूँ जब मैंने सबसे पहले सैंपल जमा किए, मेरे साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे रिजल्ट भी सबसे पहले मिलने चाहिए, चूँकि लेबोरेटरी में स्टाफ की कमी हो सकती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए चौपाल चर्चा। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या हैं आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव,
सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। देखिए कार्यक्रम मंडी खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 और 10:05 पर सिर्फ डीडी किसान पर। अंतराल के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के चलते कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है फसल बीमा योजना को अपनाकर। जी हां, सरकार की एक पहल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंतर्गत आप इन नुकसानों की भरपाई कर सकते हैं। वास्तविक में क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपदाओं के दायरे को बढ़ाया गया है। जलभराव, फसल कटाई के बाद होने वाले सभी नुकसान योजना में शामिल हैं। किसानों के कल्याण, खेतीहर समुदाय के लिए जोखिम प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई का आसान तरीका है ये योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खाद्यान्न और तिलहन के लिए प्रीमियम 2% है। रबी फसल के लिए वार्षिक प्रीमियम 1.5% रखा गया है। बागवानी और कपास के लिए प्रीमियम 5% रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले की बीमा योजनाओं की विशेषताओं के साथ कमियों का प्रभावी समाधान देती है। अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर पर नुकसान का त्वरित आकलन और निश्चित समय सीमा में दावे का भुगतान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना सरल और लाभ लेना सुगम है। प्रधानमंत्री बीमा योजना चलाई हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। उसमें हर किसान को अपनी फसल की बीमा कराना होता है। जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं या जिन किसानों ने कोऑपरेटिव से कर्जा ले रखा है, उनके प्रीमियम तो बैंक द्वारा सीधे काट लिया जाता है। जिन किसान 5% किसान ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, उन किसानों को स्वयं को बीमा कराना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्या आप इसके क्रियान्वयन से संतुष्ट हैं या फिर नहीं? क्या ये आपके लिए लाभकारी साबित हो रही है या फिर नहीं? या मौसम प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, उसकी हम फसल कटाई प्रयोग करते हैं और फसल कटाई प्रयोग में शायद हमारे किसानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पिछले साल 15 और 16 खरीफ में हमारे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो हमारी फसल कटाई प्रयोग में यील्ड आनी चाहिए थी, वो यील्ड एकदम 20% भी नहीं आई उत्पादन की। तो उसका मुआवजे के एवज किसानों के क्रेडिट कार्ड के खाते में, हर किसान के खाते में पैसा आया हुआ है। वो किसानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपनी अपनी पासबुक बैंक में जाए खतवा लें, सब किसानों के खाते में पैसा आया हुआ है उस एवज में जो फसल को नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह, आज भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। और अगर किसी उस योजना के अंतर्गत, पहले तो तहसील स्तर पर थी, अब पंचायत स्तर पर हो गई, अब इंडिविजुअल किसान का भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो किसान, उनका टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें कि मेरे खेत या पानी से भर गया या कोई आपदा ऐसी आ गई जिससे मेरा नुकसान हो गया, बीमा कंपनी के आदमी तुरंत उस वीडियोग्राफी जो भी मुआवजा उनका बनता है, उस मुआवजे के बीमा कंपनी हकदार है। ये सरकार से इस तरह की सुविधा आज भी दी है। गेहूं की फसल में आपदा आई है, ओके, इतनी ज़बरदस्त वर्षा और तूफान आए कि कहूँ तो पूरा कहूँ पहुँच गए, काऊ के कहूँ सड़ गए और फेंक गए, और हमने वहाँ रिपोर्ट करी कृषि विभाग में, तो वहाँ तो 1 महीना पीछे आए सरकारी लोग चेक करीबे, दिखाओ कहाँ गेहूँ फेंक रहे हैं। अब रिश्तो ऐसी आ रही कि नहीं दिखा दें कि कहाँ फेंक रहे गेहूँ। 1 महीना तो हम खेतों मौके में फैलते रहे, 1 महीना पीछे आए। क्या आपदा आई है, आइए किसान ने प्रतिभाव का हालाम मिलो, एक चवन्नी नहीं आई किसी की। और ये ना कह रहे हमारे कुंवर साहब के वो KCC में आपको वो कट रहे हैं, बीमा कट रहे हैं, खूब KCC भर रहे हैं, हमें तो आज तक 1 रुपया का लाभ मिलो नहीं। देरी का कोई कारण नहीं, विदिन 24 आवर्स तूफान की सूचना और नुकसान की सूचना तुरंत बीमा कंपनी को हमने दी है। बीमा कंपनी वाले 7 दिन तक तो डिस्कस करते रहे कि हमारी कवरेज में नहीं है, फसल कटने के बाद हमारी कवरेज में नहीं है, फिर भी हमने कलेक्टर के माध्यम से उनको प्रेशर बनाया और हमने उनको ज़बरदस्ती फिर 15 दिन बाद, कहीं 10 दिन बाद, कहीं 20 दिन बाद वो सर्वे करने आए। जब तक किसान अपनी फसल को अपने घर ले आया, किसान कोई वहाँ जंगल में छोड़ना उचित, क्योंकि मौसम रोज़ ख़राब हो रहा था, किसान की भी दुविधा थी फसल को जितनी बच रही है उसको अपने घर लाने के लिए। मैं आपको बताऊं, आप सोचिए कि आप ये भाई साहब 20 दिन की कह रहे हैं अपने मुंह से, तो 1 महीना
मान के चलिए, तो एक महीना तक जो हमने ऐसे ऐसे बच्चान की तरह भी पार पनास के और वो पैर हम इकट्ठे करे और फिर वे आंधी में और हम उड़ जाएं। जैसे ही नुकसान हुआ अपने क्षेत्र में पहुंच करके संबंधित जो किसान हैं उनका सर्वे किया और सर्वे रिपोर्ट अपन ने तुरंत डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को दी और उनके माध्यम से जो अपनी रिपोर्ट गई है वो अपना या बीमा कंपनी को पहुँचती है। तो जो भी रिपोर्ट हुई सर्वे हुई हमने तुरंत दी। 15-16 का एक भी किसान बिना बीमा के नहीं रहा, बीमा कंपनी से हमारे पास रिकॉर्ड आ गया और हमने जो पास होकर खतवाई है किसान के घर जा करके, तुमने नहीं खतवाई, पास होकर नहीं देखी, पैसा नहीं आया, हर किसान के खाते में पैसा आया, चाहे 2000 आ चाहे 1000 आ। एक महीना पीछे आए चेक करिए कि दिखाओ कहाँ फैल रहे हैं पूरा, कहाँ गेहूँ उड़ रहे हैं कि तो बस फैलो एक महीना। ये किसान हैं एक महीना तो बाद जो तुम फैले रखेंगे हमारे जब वह जाएगा निरीक्षण जब या समेटेंगे। पहले तो ये इस बात को भूल जाएं, कृषि विभाग का काम न बीमा देने कम पैसा देने का है न बीमा कंपनी को रिपोर्ट करने का है, रिपोर्ट करने का स्वयं काश्तकार का है, जिसका नुकसान होगा वो करेगा। जैसे ही तूफान आया हमने तुरंत सूचना दी, फिर भी हमने किसान अपनी पंचायतों की, मेरे पास 10 पंचायतें हैं, 10 पंचायतों की सूचना बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी ने हमारे किसानों से 16,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम जो एडवांस में केसीसी के माध्यम से बैंकों द्वारा पहुंच गई, इस संबंध में हम किसानों को लाभ दिलाने के लिए हमने 24 आवर्स के अंदर बीमा कंपनी को मेल किया कि हमारे किसानों के यहाँ तूफान आया है और आप जाकर सर्वे करें। तो ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है न कि कृषि विभाग की, पहली बात तो दिमाग में से इस बात को निकाल लें। तो किसान भाइयों बहनों ये थी हमारी चौपाल चर्चा आवार गाँव से। अगले कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आपको ले चलेंगे एक नए गाँव में और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।